पीएम मोदी के यूएई दौरे से भारत को क्या मिला? दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार पर यूएई के साथ समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने एमओयू पर साइन किए। दोनों देशों में कुल व्यापार लगभग 85 अरब अमेरिकी डॉलर है। जल्द 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पूरा करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग के साथ इस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई की यात्रा के दौरान पीएम मोदी यहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ खासतौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा भी की। यूएई 2022 से 23 में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था। वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक अहम साझेदार है। यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का तीसरा और एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। संयुक्त अरब अमीरात के रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में देश में प्रवासी भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 35 लाख थी। भारतीय सिनेमा और योग यूएई में काफी लोकप्रिय है। पीएम मोदी 2015 के बाद से खाड़ी देश की अपनी पांचवी यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वार्ता की। उन्होंने इससे पहले 2015, 2018, 2019 और 2022 में अरब देश की यात्रा की थी। भारत यूएई की साझेदारी पहले पारंपरिक वस्तुओं के बिजनेस को लेकर शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप तेल को लेकर मजबूत हुआ। साल 1971 में यूएई फेडरेशन के निर्माण के बाद इसमें तेजी आई। फिर 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधार अपनाने पर दोनों देश के बीच रिश्ते मजबूत हुए।